भारतीय जनता पार्टी के चंद्रायन गुट्टे के उम्मीदवार यू सत्यनारायण मुदिराज ने सेहत की खराबी का हवाला देते हुए आइंदा असेंबली इंतखाबात से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बीजेपी क़ियादत को लिखे खत में सत्यनारायण ने कहा कि तिब्बी मशवरे के बाद उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से दस्तबरदार होने का इंतखाब किया। इनका नाम बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में शामिल था, यहाँ तक कि उन्होंने पहले पहल इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। ताहम अपनी मुहिम के दौरान उन्हें सेहत के कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो मैदान से दस्तबरदार हो गए। तारीखी तौर पर चंद्रायन गुट्टा हलका कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ रहा है और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी 2014 और 2018 में लगातार दो बार मौजूदा MLA रहे हैं। 2018 के असेंबली इंतखाबात में कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को 80,263 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। इसके बाद बीजेपी ने कौमी अखिलियती कमीशन के रुकन और BJYM के साबिक कौमी सेक्रेटरी शहजादी सैयद को मैदान में उतारा था। आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी ने शहजादी की जगह सत्यनारायण को मैदान में उतारा था। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।